तो फाइनली वी आर एट जुड़ा का तालाब एंड चेक आउट द सीन गाइस, व्हाट्स अप गाइस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज डे 3। वी आर एट जुड़ा का तालाब बेस कैंप। कल की रात तो काफ़ी ज़्यादा स्केरी रही है, मतलब टेम्परेचर माइनस में था और कल रात में तो मतलब सो भी नहीं पाए ठंड की वजह से, इतनी ठंड थी। और अभी तो बस रात में तो बस फील हो रहा था कि यार सुबह वापस चलो, आगे हो नहीं पाएगा, बट अभी ठीक है। अभी मन नहीं मान रहा कि मतलब अभी इतनी दूर आए हैं तो पूरा करके ही जाएंगे, सबमिट होके ही जाएंगे। अभी उठते हैं, जा रहे हैं, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह लग गया है, चेंज वेंज देखते हैं, थोड़े और लेयर्स डालते हैं अपने ऊपर, मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। तब तक अभी व्यू देख लो हमारे कैंप का। ये मैं टेंट है और यार ये जो बीच में ये टॉयलेट्स होते हैं, यही दो टॉयलेट्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल। ब्रेकफास्ट में वी हैव पूरी एंड सब्जी विद दिस व्यू। सो फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और अभी निकल रहे हैं हम जुदा के तालाब के लिए, और उसके बाद हमारा बेस कैंप केदारकंठा बेस कैंप जाएंगे, वहाँ पे स्टे होगा एंड फाइनली आज रात में हम निकलेंगे केदारकंठा समिट, जिसके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड ये कैंप है, बार कैंप का व्यू देख लो चारों तरफ, इतना प्यारा व्यू है। एंड यार एक चीज़ गुड न्यूज़ भी, स्टिक मिल गई मुझे यार। ट्रैक लीडर से मैंने बोला कि मुझे मतलब मेरा स्टिक चोरी हो गया कल, तो ही वाज सो नाइस, उन्होंने अपनी ही मुझे ऑफ़र कर दी। एंड आई होप थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा इससे, क्योंकि कल मैंने 75% ट्रैक विदाउट स्टिक किया। एंड स्टिक यार एक लग्जरी है अगर आप कोई स्टीप ट्रैक कर रहे हो। लेट्स सी, आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग है, आज के दिन मेन जो हमारा है वो आज का ही दिन है, आज का और कल का। लेट्स सी, ये जुदा का तालाब जा रहे हैं सब। यहाँ पे ब्लैक आइस मिलना स्टार्ट हो गई है, ब्लैक आइस काफ़ी डेंजरस होती है, स्लिप हो जाते हैं बंदा मोस्टली। अभी तो लाइन लगी हुई है। दिस इज जुदा का तालाब। कुछ पार्ट फ्रोजन है एंड कुछ पार्ट नहीं है। फाइनली वी आर एट जुड़ा का तालाब एंड चेक आउट द सीन गाइस, व्हाट्स अप गाइस। वैसे कहते हैं कि जब महादेव केदारकंठा छोड़कर केदारनाथ जा रहे थे तो उनके जूड़े से कुछ बूंदे यहाँ पे गिर गई थी, इसीलिए इसे जुड़ा का तालाब कहा जाता है। पसीने निकल रहे हैं, पता नहीं अभी कितना और ऊपर जाना है, सबकी हालत ख़राब हो चुकी है, हम तो बिल्कुल हालत ख़राब है। वी हैव रीच्ड केदारकंठा बेस कैंप आफ्टर लाइक 4 आवर ट्रैक। सो हियर इज द बेस कैंप। ये बेस कैंप है, लंच वगैरह चल रहा है अभी।
अभी लंच चल रहा है पूरा। खाना कैसा भाई? मस्त लग रहा है। क्या बनाया फिर? ये पास्ता है, चावल, दाल और अचार और पापड़। राजमा, चावल, पापड़ और पहाड़। तो यार लंच हो गया हमारा और अभी हमको उमेर भाई वगैरह सब दोबारा मिल गए थे, तो पूरी उनकी टीम, तो अभी हम उनके कैंप में आए हुए हैं। तो मैंने सोचा इधर से आपको व्यू दिखा देता हूँ। व्यू यार इतना प्यारा व्यू है, मतलब आई वॉज मिसिंग दैट इन माई कैंप। भाई अब आए हैं, मैं आया हूँ तो आपको व्यूज तो दिखाऊंगा ही मस्त मस्त। तो लुक एट द व्यू गाइस। गाइस जब केदारकंठा बेस कैंप का व्यू इतना प्यारा है तो मतलब नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द समिट। समिट का व्यू तो क्या ही होगा। और अभी सब बता रहे हैं कि ऊपर स्नोफॉल भी हो रही है। 3 दिन 72 घंटे बहुत मेहनत, इन सब के बाद ये नज़ारा, इसी के लिए तो आ रहे थे। डिनर विनर हो गया है एंड अब बज रहा है, टाइम हो रहा है 9 और आज का दिन सही था काफ़ी। 12 बजे हम सुबह पहुंच गए थे, फिर हमने लंच, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स सब टाइम टू टाइम होता गया एंड अभी डिनर विनर होके 9 बज गया है और अभी 1 बजे उठना है हमें समिट के लिए। तो 1 बजे उठ के और आज मतलब अभी तक जो भी हमने चेक किया है वो तो कुछ नहीं था। समिट अभी जो बताया जा रहा है कि मतलब बहुत ही स्टीप है, कल तो हम एक्सपीरियंस करने ही वाले हैं, लेट्स सी कल क्या होता है। सो अभी तक जो भी एक्साइटमेंट है मेन 3 दिन से जो ट्रैक कर रहे हैं वो सब कल आंसर्स मिलने वाले हैं कि इज़ इट रियली वर्थ इट और नॉट। सो लेट्स सी और जो भी होगा हम शेयर करेंगे ही और सारे व्यू वगैरह सब कुछ। तो यार अभी सोते हैं और कल उठते हैं, चलते हैं समिट। Let's see Kedarkanta. Please like, share and subscribe the Kanpur guys. Please subscribe Kanpur guys. Please subscribe to the channel. To channel subscribe koribo. Yaar bahut bhal bhal videos upload hoy. Thank you.